हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारे 10th की 16th क्लास है। इस क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इसमें हमारा जो पहला है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इसकी आती है हैज एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट एंड फुल स्टॉप। ठीक है, हम सब देख चुके हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें सब पता है क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हैज कब आएगा और हैव कब आएगा। इट मीन्स हैव कब यूज करेंगे और हैज कब यूज करेंगे। ठीक है, तो नोट डाल लेते हैं। तो हैज का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर। ठीक है, और हम हैव का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल या फिर आई। ठीक है, हैज का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और हैव का कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई हो। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, हमारा पहला सब्जेक्ट सेंटेंस है, मैंने जूतों की दुकान में मैं जूतों की दुकान में बहुत कुछ सीख चुका हूं। मैं जूतों की दुकान में जूतों की दुकान में बहुत कुछ सीख चुका हूँ, सीख चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम, सबसे पहला काम हमारा वर्ब पता करने का। ये रही वर्ब हमारी, कैसे पता करते हैं वर्ब, कैसे पता करते हैं काम क्या हो रहा है। तो इसमें क्या काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है। तो सीखने को बोलते हैं लर्न, LEARN। और हमारा दूसरा काम होता है सब्जेक्ट पता करना। और सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, कौन सीख रहा है। तो इसमें कौन सीख रहा है, मैं सीख रहा है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। मेरे को क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, अब हमारा जो तीसरा काम होता है, वो तीसरा काम क्या होता है, हमारा तीसरा काम स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। तो हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे हम, आई। और हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब में हम हैज या फिर हैव। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई या फिर प्लूरल हो तो हम क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, हैव। फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि लर्न जो है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, LEARN लर्नड। ठीक है, फिर ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें बाकी बचा हुआ लिखेंगे, यानी कि उसने क्या सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ठीक है ना, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अ लॉट, यानी कि बहुत कुछ सीखा है। हम वेरी मच भी लिख सकते हैं, आई हैव लर्न वेरी मच, या अलॉट लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे सीखा है उसने, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कहाँ सीखा है उसने, जूतों की दुकान में, यानी कि
एट द शू स्टोर, एट द शू स्टोर, एस टी ओ आर ई, एट द शू स्टोर। ठीक है, चलिए इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये क्या कहलाती है? प्रीपोजिशंस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आ जाती है तो वहीं से सारा सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, चल मैं प्रीपोजिशन अलग से लिखवा दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं, हम उस चिड़ियाघर को देख चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और हिंदी का सेंटेंस है तो हिंदी के सेंटेंस में हम इसको कैसे पहचानते हैं, ये हूं या है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट है। और अगर साथ में चुका, चुके, चुकी अगर ये दिख जाता है, ठीक है, चुका, चुके, चुकी और है अगर इसे दिख जाता है तो है से हमें प्रेजेंट, प्रेजेंट का पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, और चुका, चुके, चुके से पता चलता है कि ये परफेक्ट है। तो दोनों को मिलाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश के सेंटेंस में देखेंगे तो आपको इंग्लिश के सेंटेंस में ये कैसे पता चलेगा, ये हैज हैव से पता चलता हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए साथ में, तो ही ये सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। चलिए अब हमारा वही पहला काम वर्ब पता करने का। वर्ब कैसे पता करेंगे, काम क्या हो रहा है तो देखने का काम हो रहा है, देखने को क्या बोलते हैं हम, सी। एंड दूसरा काम हमारा सब्जेक्ट पता करने का, और सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। ठीक है, चलिए अब हमारा तीसरा काम स्ट्रक्चर फॉलो करने का। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वी। फिर हेल्पिंग वर्ब, हमें पता है वी क्या है, प्लूरल है, और हमें पता है कि प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव, तो हम लिख देंगे हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास, सी, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट, तो क्या देख चुके हैं, जू देख चुके हैं, लेकिन कौन सा जू, वह जू, वह जू, ठीक है ना, उस जू को देख चुके हैं, उसको बोलते हैं दैट, दैट जू। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह अपने अच्छे दाएं हाथ पर विश्वास कर चुका है, वह अपने अच्छे दाएं हाथ पर विश्वास कर चुका है, कर चुका है। देखिए हिंदी में हे आ रहा है तो प्रेजेंट है, चुका आ रहा है तो कौन सा है, परफेक्ट है। ठीक है ना, चलिए हमारा पहला काम वर्ब पता करने का, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, विश्वास करने का, क्या काम हो रहा है, विश्वास करने का काम हो रहा है, तो विश्वास करने को क्या बोलते हैं, बिलीव, बी ई एल आई ई वी ई, बिलीव। एंड सेकेंड काम हमारा होता है सब्जेक्ट पता करने का, सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, काम क्या हो रहा है, सॉरी काम कौन कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है, वह, यानी कि विश्वास कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह
वह को इंग्लिश में बोलते हैं किसके लिए आ रही है, देखो कर चुका है, अगर यहाँ पर कर चुकी होता तो हमें पता चल जाता कि ये लड़की है, लेकिन यहाँ पर कर चुका है इससे पता चल रहा है कि ये एक लड़का है, तो हम लड़के के लिए क्या बोलते हैं, ही। सब्जेक्ट लड़के के लिए जो यूज होता है वो होता है ही। अब हमारा तीसरा काम सब्जेक्ट को, ओ सॉरी स्ट्रक्चर को फॉलो करना। तो पहला है हमारा सब्जेक्ट ही, और फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए ही जो है वो सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैज। तीसरा काम हमारा सॉरी तीसरा जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बिलीव्ड, BELIEVED, बिलीव्ड। अब ऑब्जेक्ट किसमें रख चुका है वो, उसके दाएं हाथ में, दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड में, यानी कि इन हिज गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड, RIGSTHAND, हैंड। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होती है, जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, ऑफ, फ्रॉम, फॉर, बिफोर, आफ्टर, अपॉन, ओवर। ठीक है, तो ये तो वो हैं जो ज्यादातर यूज होती हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी प्रिपोजिशंस होती हैं, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट के बाद, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद, अगर आपको ऑब्जेक्ट के बाद प्रिपोजिशन दिखती है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद प्रिपोजिशन दिखती है, तो प्रिपोजिशन के बाद जितना भी सेंटेंस आता है वो सब कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ब के बाद ही डायरेक्ट प्रिपोजिशन दिख जाती है, अगर वर्ब के बाद ही डायरेक्ट दिख जाती है प्रिपोजिशन दिख जाती है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद प्रिपोजिशन आती है तो वो सारा सेंटेंस क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।